is something called as jo humne socha ki bahut zaruri hai. Iska naam hai soft skills in sleep medicine and especially soft skills for sleep technicians. So main start karne se pehle I was trying to get an idea from people the years of experience that they've had. और मुझे या तो आप इसमें लिख दें, ये जो सबके स्क्रीन में नीचे एक चैट बॉक्सेस है ना, सबको दिख रहा है आपके ऑडियो चल रहे हैं? Yes, ma'am. नाम नहीं आ रहे. मैं बता देता हूँ. हाँ बताओ. कुलजी हैं, जयवीर जी हैं, और हमारे साथ अनु मैम हैं, और एक अमित हैं, और एक बाहर से फ्रेंड हैं. ओके. फोन के सबके राइट, फोन में सबके राइट हैंड साइड पे स्वाइप करेंगे तो सब सब दिख जाएंगे कौन कौन है. हम लोग लैपटॉप पे हैं. आस्क देम टू टेल मी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. बिकॉज मेरा ये एम है कि ये कुछ इंटरक्टिव रहे, वन साइडेड टॉकिंग नहीं रहे. तो किसी ने कुछ लिखना है तो एक तो जब मैं स्टार्ट कर रहे हैं तो बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, ठीक है? तो बहुत बैकग्राउंड साउंड आएगा. किसी ने कुछ सवाल लिखना है तो नीचे देर इज अ बॉक्स विच इज कॉल्ड इज अ चैट बॉक्स. अगर आप उसमें लिखोगे मुझे सवाल दिख जाएगा, देन आई विल आंसर दैट थिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है? मिस्टर अबू, आपको आवाज आ रही मेरी? एक डॉक्टर बंगिया, आवाज आ रही? हाँ जी. सम नेम्स आर लाइक ओनली गैलेक्सी ना, आई कांट सी देयर नेम्स और देयर पिक्चर्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय दिस टॉपिक कॉल्ड अ सॉफ्ट स्किल्स. तो व्हाई डिड वी थिंक ऑफ दिस टॉपिक? यू नो वी सेड इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इस वर्ड को. वन इज सॉफ्ट एंड वन इज स्किल. So what is a skill? Skill is something that you learn. It's a practical word. जैसे आपने अगर sleep study करना सीखा तो that is a skill. But soft is something which is very fuzzy, not very clear, but yet it has become very important over the years. So ये soft skills है क्या चीज? These are skills. They are not technical. Firstly, so they are non-technical skills. They are job related, but they are general skills which actually were thought to be like common sense like skills. कि हर एक को पता ही होना चाहिए ये कैसे करनी है. But over a period of time, हमें ये अच्छी तरह से सिखाई नहीं गई, हमने सीखी नहीं, तो ये soft skills दब गई हैं. तो अब इसकी importance क्यों आ गई है इतनी? इसकी importance ये है कि अब देखा गया है कि जब लोग interviews के लिए जा रहे हैं, जो companies hire कर रही हैं, वो technical skills से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर वेटेज दे रहे हैं. सो अगर ये स्टडी करी गई तो देखा गया कि ऑलमोस्ट 60-70% लोगों को सॉफ्ट स्किल्स चाहिए एंड 30-40% टेक्निकल स्किल्स चाहिए. सो इसकी जो सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस ऐसे है. सेकंड, एक रिसर्च ने बताया है कि जो भी आजकल सक्सेस है, जो हमारा, जो कंपनीज का, किसी का भी सक्सेस है, 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है सॉफ्ट स्किल्स से एंड 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है हार्ड स्किल्स से. सो आई होप दिस इज द बैकग्राउंड कि ये सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है? सो देन वी सेड ओके, सो इसकी क्या चीजें हैं जो इसके अंदर इसमें. सो सॉफ्ट स्किल्स इज इमेजिन लाइक अ बिग बॉल. तो एक चीज नहीं है उसके अंदर, कोई कोई क्लासिफिकेशन 7 बोलता है, कोई 10 बोलता है, बहुत सारी चीजें. बट हम बहुत सिंपल शब्दों में बताना चाहेंगे आज, एंड हो सकता है कि हम 3 या 4 स्किल्स ही कवर करें, एंड धीरे धीरे वी विल कवर द अदर स्किल्स. सो इसकी जो मेन कंपोनेंट्स हैं या मेन डिविजन्स हैं, आप लोगों को कुछ, अगर किसी को कुछ भी आइडिया आता है कि सॉफ्ट स्किल्स में होता व्हाट आर द कंपोनेंट्स, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, ताकि मुझे बताओ कि आपके विचार. चलो आप लिखे, मेरा कोई कोई लिखे कि आपके हिसाब से सॉफ्ट स्किल में क्या कंपोनेंट है. व्हाट इज इट दैट इज सॉफ्ट स्किल? एनीबॉडी वांट्स टू से राइट इट? राइट करो, राइट. सो स्टार्ट राइटिंग हियर. राइट करो, राइट. इसमें नीचे है ना एक चैट स्क्रीन,
उसमें सब एक एक शब्द लिखना शुरू करें कि what do you think is in your view is a soft skill. Anybody's writing? लिखा किसी ने कुछ? मेरे को तो नहीं दिखा. Anybody wrote? हाँ, नहीं? चलो फिर. Did you write anything? नहीं? Okay, I didn't get any answers. किसी ने कुछ लिखा है इसमें? या आपने you can lift your hand and raise your hand and show अगर किसी ने कुछ लिखा है. Okay. वो ऑप्शन किधर है मैम? जो नीचे एक चैट होता है, चैट. आपके लोगों में फोन पे हो, लैपटॉप पे हो? फोन. So वत्सला ने लिखा है interpersonal skills. तो बोल के बता दीजिए, आपके हिसाब से बोल के बता दो कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या चीज है जो जरूरी है. हाँ, कोई बोल के बताना चाहेगा? हेलो. हाँ, मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस मैम आ रही है. ओके, तो बताओ, तुम बताओ कुछ, क्या व्यू है तुम्हारा कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या है? हाँ उत्सव, नेटवर्क इशू किसके तरफ से है? हमारी तरफ से है कि आपकी तरफ से है? इज ऑडियो क्लियर? वॉइस ब्रेक हो रही है. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हेलो. यस मैम. हेलो मैम. हाँ, हेलो मैम. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. अच्छा, मेरा तो नेटवर्क इज क्वाइट ओके एक्चुअली. Your network bandwidth is low. किसका आपका दिखा रहा है मैम? लो दिखा रहा है, आई थिंक किसका एक लो दिखा रहा है. किसी ने लिखा है कि ऑडियो नॉट अवेलेबल, बट आप लोगों को सुन रहा है नहीं सुन रहा? अभी अभी क्लियर सुनाई दे रहा है, अभी क्लियर सुनाई दे रहा है. ओके, सो एनीवे लेट्स कैरी ऑन. फिर और ना, सो जिसमें जो सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स के जो कंपोनेंट्स हैं, वो मेन कंपोनेंट है लीडरशिप स्किल, ठीक है, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल, टाइम मैनेजमेंट. तो इसके अंदर काफी सारी चीजें. सॉरी, क्या बोला? सो लेट्स अंडरस्टैंड. इसको समझने के लिए सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट, या अपने लिए घर जाके एक होमवर्क करो, अपने आप को समझो कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्यों ऐसे आया, कैसे यहाँ पे पहुंचा हूँ. एंड जब अपने आप को समझोगे, तब यू आर एबल टू कैरी दिस फॉरवर्ड. सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क निधि to tell you all something about teamwork, जो सबसे बड़ी एक skill है general life के लिए भी और sleep study के लिए, especially sleep medicine के लिए, वो है एक teamwork. तो इसमें अगर आपने कुछ add करना चाहा तो आप कर लो, but अभी निधि will speak for a few minutes on teamwork. बताओ निधि. Yeah, hi. So basically teamwork is like कि आप कहीं भी काम कर रहे हो किसी workplace में, तो लाइक आपको जो वर्क दिया जाता है, आपकी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज है, सो इट डिपेंड. लाइक अगर आप साथ में काम कर रहे हो तो बेसिकली इसे टीम मैनेजमेंट पे बोला जाता है. सो दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आप साथ में कैसे काम कर रहे हो, उसको कैसे मैनेज करके एक अपना वर्क है उसे टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो. सो बेसिकली दैट्स कम अंडर टीम मैनेजमेंट. सो लाइक इसके इम्पोर्टेंस जो क्या होती है, लाइक आपको टीम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है एट योर वर्क प्लेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक बिल्डिंग अ टीम. Like if you are working together, like आप as a team काम कर रहे हो, तो basically आपका एक आपका जो भी managers होंगे या आपके authority होंगे, वो आपको work देते हैं depending upon your educational background, आपकी personality.
तो इट्स नॉट लाइक कि सबका ब्रेन एक जैसा हो, कोई किसी काम में ज्यादा बेटर होगा, कोई किसी के ज्यादा स्किल्स किसी चीज में अच्छे होंगे. तो उसके बेसिस पे अगर आपके जो मैनेजर्स हैं आपको अगर वो डिवाइड करके दे रहे हैं, तो बेसिकली एक टीम है तो पूरा मैनेज करके दे रहे हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि सबको ही काम दे दिया, सबको उनके स्किल्स के बेसिस पे आप वर्क दे रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो एंड दे आर वर्किंग टुगेदर एंड आपको एक टाइम में आप अपना वर्क कम्प्लीट करके दे रहे हो. सो बेसिकली दैट्स अ टीम मैनेजमेंट. तो टीम वर्क का गेन क्या होता है, क्यों जरूरी है टीम वर्क करना? अगर मैं अकेला काम करूं, मेरे को नहीं पसंद टीम में काम करना, तो उसका गेन क्या है? व्हाट इज व्हाई शुड वन वर्क इन अ टीम? सो लाइक इफ यू आर डूइंग वर्क अलोन, ओके, सो मे बी यू डोंट हैव ऑल द स्किल्स, या ऑफ कोर्स आपके पास वो हो गया तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अकेले वो सारा काम कर सको. ओके, सो टू मेन थिंग्स, एक तो आपके पास स्किल नहीं है शायद, ठीक है, दूसरा आपके पास टाइम नहीं है. सो व्हेन यू मेक अ टीम यू अलॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेट द वर्क एंड यू विल अचीव मच मोर. तो आप एक एग्जाम्पल दो निधि के स्लीप मेडिसिन में टीम वर्क जो अगर आप कर रहे हो तो कैसे टीम वर्क, कैसे टीम वर्क काम का काम करती है? सो बेसिकली हम अपने टेक्नीशियंस का ही ले लेते हैं. सो सम आर फ्रेशर्स, कुछ लाइक दो तीन साल हो गए काम करते हुए, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा. तो लाइक दे कैन लाइक आस्क विद ईच अदर कि अच्छा कोई दूसरे थोड़ा बैकग्राउंड से आ रहा है या किसी की नॉलेज थोड़ा ज्यादा है, तो दे कैन शेयर. Of course, तो वो अपने स्किल शेयर कर सकते हैं कि लाइक इफ यू आर डूइंग दिस, अगर ये सेंसर आपका वर्क नहीं कर रहा रात को, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ या, सो व्हाट शी इज सेइंग इज के दिस कैन हेल्प यू आल्सो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो एक सॉफ्ट स्किल का एक बड़ा हिस्सा है, कि अगर आप कुछ नहीं कर पाओ, टेक द हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स एंड दैट विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग. But give me an example, जैसे अगर टीम वर्क का एक example क्या हुआ, जैसे अगर आपने एक study book करी, फिर आपने एक technician को बताया भी क्या करना है, वो technician ने study करके फिर किसी अपने supervisor को दिया कि आप score कर दो, and supervisor then shows it to the doctor and says okay the study is ready. So this is a teamwork. So is team. Yeah. So basically, it's a cycle. It's a cycle. But each person has been allotted a task and each person completes the task so it gets accomplished in a much better manner. So yeah. Not that you will go to study, you will also do the study, you will also score the study and make a report. So I hope everybody is clear what is a team, why to make a team, why is a team important and how to work in a team. So the next thing which will come from here is something called as your time management. And uske liye I'm going to ask Avnish to tell you all. Time management is important in every aspect of life, but I think specially sleep departments mein, sleep medicines mein, jisme shift duty ho jati hai, isme time management becomes even more important. So he'll tell you a few points. आपने कुछ भी कभी बोलना है, आपने suggestion देने हैं. Please, it's an open forum. It's not like a lecture kind of a talk. Avnish बताएंगे अभी. Hi everyone. This is Avnish. So basically, time management में जो हम sleep medicine में काम करते हैं, इसमें हमारा काम जो है रात की sleep study हो गई, उसके बाद फिर of course night जो study होती है technician हमारा करते हैं. तो टेक्नीशियन का मेन रोल जो हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. बेसिकली जो टेक्नीशियन होते हैं, गोल सेट करना है सबसे पहले कि जो हमारा काम है, सपोज उनकी ड्यूटी 8 to 8 होती है, आई मीन 8 to 6 नॉर्मली होती है, बट 8 to 6 उनकी 8 to 8 उनका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो जाता है. सपोज वो क्लिनिक में 8 o'clock पे पहुँचते हैं, तो उनको अपना एक गोल सेट करना है कि हमें 8 o'clock पे पहुंचना है. 8 to 9 आई हैव टू रेडी द डिवाइस सो दैट 9 o'clock तक या 9:30 तक हम पेशेंट का टेस्ट शुरू कर ले. तो एक अपना टाइम उसको मैनेज करके चलना है कि अपना जो डिवाइस को मैनेज करके चलना है, उसके बाद पेशेंट हैंडल करना है. पेशेंट को अगर हम 9:30 से शुरू कर रहे हैं तो
9:30 10 o'clock की presentation को ready करना है, 10 o'clock से test start करना है, फिर morning में 6 o'clock तक test को finish भी करना होता है हमें, उसके बाद हमें data upload करना होता, उसकी timing हमें set करनी होगी कि 6:30 तक data upload करके हम clinic को 6:30 तक छोड़ दें, उसके बाद आप 8:30 तक अपने घर पे पहुंच जाएं, घर पहुंचने के बाद जो आपके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने रात को ड्यूटी करी है, तो उसके बाद आपका प्रेशर हो गया, उसके बाद आपका सारे लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है किसी किसी से बहुत ज्यादा, कुछ लोगों के बैकग्राउंड बहुत नॉइज है, उसको म्यूट कर लो सब लोग, वेरी हाई पिच्ड, हां आई मीन सॉरी, सो आफ्टर नाइट ड्यूटी जो आफ्टर नाइट ड्यूटी मेन जो हमारा जो टाइम का जो मैनेज करना होता है दिन में होता है, बेसिकली हम वर्क फिनिश करके घर पे जाते हैं, उसके बाद आपको आपकी जो पर्सनल लाइफ जहाँ से शुरू होती है, सपोज आपका फ्रेशअप हो गया, आपका एक्सरसाइज हो गया, आपका आई मीन डाइट हो गया, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें आपको 2 घंटे के अंदर मैनेज करके चलना है, सपोज 8 to 10 के बीच में आपको आपका फ्रेशअप हो गया, आपका एक्सरसाइज हो गया, आपका खाना हो गया, ये सब फिनिश करने के बाद आपको 10 to 4 का आपको एक स्लीप टाइम आपको फिक्स करना है, उसमें आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाना है जो एक्सटर्नल एटमोसफियर है आपकी फैमिली से, क्योंकि आपको सोना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर 6 घंटे सोएंगे तो नेक्स्ट डे यू कैन परफॉर्म प्रॉपरली, सो आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होना है 10 to 4 के बीच में आपको सोना है, उसके लिए आपको अपने आप एक मैनेज करके चलना है कि नहीं हमें 10 to 4 के बीच में सोना ही है, उसके बाद फिर आप जो 4 o'clock के बाद रखते हैं आप थोड़ा सा लाइट अपना मील ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके ये सारी चीज़ें आप 6 बजे तक फिनिश करके अगेन आपको जो नेक्स्ट आपकी नाइट ड्यूटी उसके लिए आपको रेडी होना है, तो फिर 6 to 8 तक आपको जो करना है आप क्लिनिक पहुंचना है, उसमें आपको अपना आपको डिनर रेडी करना है, आपको सारी चीज़ें करके अगेन यू कैन स्टार्ट योर वर्किंग फ्रॉम 8 to आई मीन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपका 8 o'clock से ड्यूटी शुरू हो जाता है, सो इन सब चीज़ों में टाइम का फिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम प्रॉपर अगर टाइम पे अगर अपना काम नहीं करते तो हमारा वर्क जो है वो एक तरह से प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब ये है। सो अवनीश ने जो समराइज किया है उसका समरी ये है कि टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपने 3 चीजों को टाइम देना है, एक अपने आप को देना है, एक अपने काम के लिए देना है और एक अपनी फैमिली के लिए अपने इसको देना है। हाँ जी बताइए, उत्साह कुछ कह रहा है? मेरा एक क्वेश्चन है अवनीश सर से, अगर टाइम मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं तो अगर हमारा जो शिफ्ट वर्क नाइट शिफ्ट वर्क है हम जनरली 8 to 10 घंटा काम करते हैं, सो हम कैसे अपने अपने आप को एंड अपने फैमिली को टाइम दें और अपने प्रोफेशन को भी टाइम दें और पर्सनल लाइफ को भी टाइम दें, जो आप बताएं थोड़ा सा क्लियरली आप बताएं। हाँ सो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये चीजें माइंड में गोल सेट करके चलना ही चलना है कि हमें हमारा जो टेस्ट है वो 8 घंटे का टेस्ट है रात का, और हम आपको 1.5 घंटे सपोज आप क्लिनिक में टेस्ट कर रहे हैं या पेशेंट घर पे टेस्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है कि डिस्टेंस मैटर करता है इसमें, डिस्टेंस कई बार अगर हमें लगता है कि पेशेंट गुड़गांव में है आपको हौसका से निकलना है, तो टाइम जो मैनेजमेंट जो है हम बता रहे हैं इसमें आपको वही कहना है कि आपका टाइम सेट करके चलना, अगर हमें गुड़गांव के लिए निकलना है सो हम जो बोल रहे हैं कि आपको क्लिनिक में 8 बजे पहुंचना है, आप 7 बजे पहुंच लो, 1 घंटे पहले आप अपना डिवाइस रेडी करो और वहाँ पे टाइम पे पहुंच जाओ, उसके बाद मॉर्निंग में आप अगर टाइम पे पहुंचते हो तो टाइम पे टेस्ट भी फिनिश हो जाएगा आपका, जब टेस्ट अगर 6 बजे फिनिश हो जाता है आपको गुड़गांव से हौसका आने में 1.5 घंटा ज़्यादा नहीं लगेगा, कहीं भी आप गुड़गांव में हैं तो आप 6:30 तक अगर हौसका 7:30-8 बजे तक भी आते हैं तो भी आप अपने घर पे 9 बजे तक पहुँच के आप अपना जो भी आपका फ्रेशअप है, आपका ब्रेकफास्ट है, फिर आपका जो अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टेक्नीशियंस बिकॉज उसमें आपकी लाइफ काफ़ी मैटर करती है, अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप प्रॉपर नहीं आपको प्रॉपर अच्छे से नींद आएगी, ना ही आप प्रॉपर अपने काम को सही से कर पाएंगे, सो आपको टाइम को आप अकॉर्डिंग मैनेज करके चलना है। सी अगर आप मान के चलो कि देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, मेरा भी एक क्वेश्चन है,
कौन बोल रहा सुरेश हाँ जी बताओ सुरेश क्या सवाल है आपका मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है पहुंच जाते हैं फिर भी थोड़ा बहुत पेशेंट कहते हैं कि मतलब हम बाहर है अभी थोड़ा सा लेट सोते हैं आके वेट कर लो तो हाँ. थोड़ा सा उनका टाइमिंग तो पेशेंट अपना टाइमिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं और जी थोड़ा सा जो स्लीप स्टडी है मैम बुक करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कहते कि नहीं पेशेंट कहता है कि नहीं मैं 12 बजे सोता हूँ 8 बजे उठता हूँ या कई पेशेंट कहते हैं कि मैं मतलब 1 बजे सो रहा हूँ और 8:30-9 बजे तक उठ रहे हैं पर आपके वहाँ पे बताया गया था कि मतलब फोन आया था कि आप अपने टाइमिंग पे सोइएगा और अपने टाइमिंग से उठिएगा टेक्निशियन तभी जब आप उठेंगे तभी आपको वो फ्री करेगा सो सी बेसिकली मान के चलो कि 24 घंटे हैं दिन में ठीक है आपकी ड्यूटी रात की करीबन कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10 hours to 11 hours मान के चलो आगे पीछे का सब एक्स्ट्रा करके ठीक है एंड देन यू गो बैक सो आपने एक अपने अपने चार्ट बनाओ आई वुड सजेस्ट एक अपना एक पूरा एक जैसे एक स्लीप डायरी टाइप का एक चार्ट होता है वो लिखो उसमें लिखो कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो उसमें इंक्लूड कर लो अपना ट्रैवल फिर लिखो कि मैं कितने बजे घर में वापस आ रहा हूँ उसके बाद आप देखो कि कितने घंटे आपके पास हैं पूरे दिन में ठीक है उन जो घंटे निकल रहे हैं उसमें आई कैन टेल यू कि अगर आपने आधा पौना घंटा बैठ के या एक घंटा यू स्टार्ट लुकिंग एट योर फोन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम यू कैन कीप स्पेंडिंग ऑन दैट फोन सो बेटर इज कि फोन बंद कर दो गेट अप गो फॉर अ वॉक टॉक टू योर फैमिली फॉर हाफ एन आवर do some relaxation techniques read something listen to some music and then you will be able to sort it out so the time management ka what he's saying is set a goal divide the day think how many hours you have and stay away from some people apne aap ko mute kariye please kafi log यस मैम अनम्यूट कर दिया सब लोगों ने प्लीज म्यूट करने के लिए बोलिए नहीं मैं सबको म्यूट कर देती हूँ सबके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है यस मैम सो व्हाट यू हैव टू डू इज नाउ आई वुड सजेस्ट मेक अ चार्ट फॉर योरसेल्फ एंड उसमें से द थिंग्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर टाइम उसमें से यू शुड गेट आउट बिकॉज दैट्स द ओनली वे सी दिन में हम घंटे नहीं इंक्रीज कर सकते किसी के भी नहीं हो सकते बट unless you make a chart for yourself and jo cheeze hain jisme I do not need to spend time usme se get out theek hai so I'm just going to give it to Vatsala now who's going to talk about the third skill today so we have covered two skills one we covered time management first Nidhi talked about teamwork Vatsala is going to talk about something जो आपको इनहेरेंटली जैसे मैंने बताया ये सोशल स्किल्स जो सॉफ्ट स्किल्स हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पीपल स्किल्स कॉमन सेंस स्किल्स बट इसमें थोड़ा सा टाइम बिताना जरूरी पड़ गया शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां भी आप काम करो इररिस्पेक्टिव ऑफ अ स्मॉल प्लेस और अ बिग प्लेस दिस इज कॉल्ड एज वर्क एथिक्स तो शी विल डिस्कस अ लिटिल बिट वी हैव अबाउट 5 minutes फॉर हर एंड देन वी विल स्टार्ट समराइजिंग कि व्हाट इज दिस वर्क एथिक्स का मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है ओके वत्सला थैंक यू मैम गुड इवनिंग एवरीवन सो लाइक हम सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी हम काम कर रहे हैं वी आर फॉलोइंग दिस वर्क एथिक्स सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यू शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर देन there is like you have to maintain a dress code like agar hum clinic mein kaam kar rahe hain to lab coat hai ya ek formal dress code maintain hona chahiye next thing that aapko apne jo supervisors hai ya managers hai unko sunna chahiye you should have this listening ability because wahi aapko instructions dete hain next thing aapko apna ek positive attitude maintain rakhna chahiye throughout your 7 to 8 hours एंड नेक्स्ट थिंग दैट आपको क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन क्वान्टिटी अगर आप 4 or 5 hours भी काम करें तो आपकी वो क्वालिटी सही होनी चाहिए एंड जैसे लाइक देर आर मेनी स्लीप टेक्स उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए लाइक डोंट यू नो
we have no right to share any thing related to our organization or our supervisor to outside our organization. So these are collectively called as work ethics. तो जैसे आपने देखा पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं वो लगता है कि क्या बड़ी बात है बात करने की, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत जरूरी हो गया कि हम इसी के साथ साथ शी हैज टच्ड अ लिटिल बिट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज, कि हाउ इज आवर ड्रेस, हाउ डू वी स्टैंड, हाउ डू वी टॉक, हाउ डू वी बिहेव, हाउ डू वी रिस्पेक्ट, हाउ डू वी हैव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आप एक दूसरे से बात कैसे करते हो. एंड उसका सेकेंड कंपोनेंट इज दैट जो मैंने सबसे पहले बोला कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ. इफ आई नो माई सेल्फ देन यू विल शुड हैव अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क प्लेस, यू शुड बी ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड. एंड द थर्ड पार्ट विच आई वॉन्ट टू टच अपॉन इज द ऑनेस्टी. सो ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी करो बिल्कुल ऑनेस्ट सी से करना है. इंटेग्रिटी मतलब कि मैं सच्चे दिल से सच्चे काम से हार्ट से काम करूंगा, नॉट कि मैं आई विल डू सम रॉन्ग थिंग्स. सो वी डोंट वॉन्ट इन एन नो ऑर्गेनाइजेशन विल वॉन्ट रॉन्ग थिंग्स टू बी डन. सो यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग एंड देर आर पर्सनल वैल्यूज. पर्सनल वैल्यूज कि सबको पता है भी वॉट इज राइट, वॉट इज रॉन्ग, वॉट इज झूठ बोलना, सही बोलना. सो दीज कम अंडर दिस ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ समथिंग कॉल्ड एज वर्क एथिक्स. सो वी विल एंड हियर, बट I will go back to the beginning, that where we started. So what is a soft skill? So I hope ki wo ab clear ho gaya logon ko. Skill is something that we learn, which we is like a practical thing, but soft skills are common sense kind of things. But these common sense things have become very important. Kahin bhi aap career mein jaoge, kahin bhi job lene jaoge. In fact, maine aapko wo studies research bataya ki log टेक्निकल स्किल्स को 30% वेटेज दे रहे हैं या 40%, 60% और ऑन द सॉफ्ट स्किल्स. जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाओ वो देखेंगे कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, कि आप टीम वर्क में काम कर सकते हो कि नहीं, आपकी वर्क एथिक्स क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे है, हाउ आर यू, व्हाट इज योर, वी हैवंट टच्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल्स. सो वी विल डू कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट टाइम. व्हाट इज योर लीडरशिप एबिलिटी. तो कहीं पे भी आप ऑर्गेनाइजेशन में अकेले नहीं हो, चाहे इट्स अ 10-person employee और 50 और 100, एंड हाउ डू यू रिलेट टू ईच अदर. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो आई थिंक वी विल एंड हियर. किसी ने और कोई पॉइंट ऐड करना है, बताना है, सजेस्ट करना है, यू आर फील प्लीज फील फ्री टू डू सो. यू कैन ईदर राइट और टॉक, जो भी आपको ठीक लगे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन टूडे. किसी ने कुछ बोलना है, कहना है? Anybody has any suggestions? So we will do the next one. The plan is to do it on Monday, 4 PM, where we will talk about two major things. One is leadership and second is communication skills. So जो लोग अब let's say 5 साल, 6 साल, 10 साल इस फील्ड में रह चुके हैं, what is the next future, what do you want to do? So if you want to get into a more senior role, you have to become a leader. So what is a leader? And everybody can become a leader. To leader banne ke liye hame kya cheeze chahiye, thodi to aaj jo humne teen cover kari, but uske alawa ek leadership ke liye alag hoga aur ek hoga communication skills. So, एक और बहुत जरूरी बात है कि जहां पे भी आप रहे आज आजकल की दुनिया में, अगर हमारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, वी विल नॉट सक्सीड. सो दैट्स ऑल देन फॉर नाउ. थैंक यू अगेन फॉर बीइंग विद अस. एनीबडी हु वांट्स टू से समथिंग और गिव सजेशंस कैन लेट मी नो. थैंक यू सो मच मैम. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच. All the best. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Families in this time, stay happy, stay safe. Okay, bye. Take care. Bye. Bye.